मेरे कोलकाता के भाइयों बहनों, अगर आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? जहां आपकी आवाज पहुंचानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी, पक्का पहुंच जाएगी? आप मुझे बताइए, ये जितने अचीवमेंट मैंने बताए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे अंतरिक्ष में स्ट्राइक हो, चाहे कोलकाता से बनारस तक वाटरवे की व्यवस्था हुई हो, ये सारा कुछ, ये सब कुछ किसके कारण संभव हुआ है? किसके कारण संभव हुआ है? 5 साल के भीतर भीतर ये सब किसने किया है? जी नहीं, ये सब मोदी ने नहीं किया है, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। ये आपके कारण, आपके कारण नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है। भाइयों और बहनों, ऐसे समय में जब स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे ही देश में कुछ लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते मां भारती का विरोध करने लग पड़े हैं। आप मुझे बताइए, एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक पर शक कौन कर रहा था? सेना को निराश कौन कर रहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ, ये किसने कहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ, किसने कहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? ये पुलवामा में शहीद हुए भाई सुदीप विश्वास और भाई बबलू सांतरा का अपमान है या नहीं है? भारत के वैज्ञानिकों ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाने की तकनीक का परीक्षण कर हम दुनिया की चौथी शक्ति हो गए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको ड्रामा किसने कहा? इसको ड्रामा किसने कहा? साथियों, आपका ये चौकीदार जो 5 वर्ष से कर रहा है, उसका सामर्थ्य हमारे पास इन 5 वर्षों में आया है, ऐसा नहीं है। हमारे वीर जवानों के पास एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का हौसला पहले भी था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने का सामर्थ्य पहले भी था। अगर कुछ नहीं था तो तब की सरकार की नीयत नहीं थी, उनके हिम्मत नहीं थी।